इंटरनेशनल टी20 लीग में पाकिस्तानी प्लेयर की शिरकत, लीग मैनेजमेंट के पीसीबी से रابطे तेज। यूएई की लीग इंटरनेशनल लीग टी20 में पाकिस्तानी प्लेयर्स के खेलने के इम्कान बढ़ गए हैं। मजीद तफसीलात जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। व्यूअर्स, यूएई की इंटरनेशनल टी20 लीग के मुंतजबीन ने टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन के लिए पाकिस्तानी प्लेयर्स के आन खेलने की उम्मीदें जाहिर कर दी हैं। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल लीग के सीओओ सुभान अहमद का कहना है कि इवेंट में टॉप पाकिस्तानी प्लेयर्स को शामिल किए जाने के लिए पीसीबी से रابطे कर रहे हैं। पीसीबी के हवाले से उन्होंने बताया कि वो अपने खिलाड़ियों को एनओसी जारी करेंगे, तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं उनकी शिरकत अभी कंफर्म नहीं है। आपको बताते चलें कि सोर्सेज का कहना है कि शाहीन आफरीदी को पीसीबी ने एक हफ्ते के लिए इंटरनेशनल लीग टी20 खेलने की इजाज़त दे दी है। इसके बाद उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि बाकी बड़े प्लेयर्स भी अगर दस्तियाब हुए तो वो भी खेलेंगे। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि इस साल के शुरू में पीसीबी ने यूएई के क्रिकेट बोर्ड से दरख्वास्त की कि लीग के अगले एडिशन के शेड्यूल में कुछ तब्दीलियां करें, क्योंकि इंटरनेशनल लीग टी20 और पीएसएल 9 एक दूसरे से मुतसादिम हो सकते हैं। बोर्ड की जानिब से लीग में अपने खिलाड़ियों के लिए 10 रोज की रियायत भी मांगी थी। आपको याद दिलाते चलें कि आईएल टी20 के पहले सीजन में पीसीबी ने अपने खिलाड़ियों को इजाज़त नहीं दी थी। इसकी बड़ी वजह यह हो सकती है कि लीग में जो टीमें हैं उनके ओनर आईपीएल के फ्रेंचाइजेस के ओनर्स भी हैं। डेली ऐसी अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।